मैं समीना बेगम, मेरा नाम समीना बेगम है, मैं हैदराबाद की हूँ। मैं यहाँ ब्यूटिशियन का जॉब करती थी, मेरे को एजेंट के जरिए मैं गई बाहर। एजेंट बोले कि मैं ब्यूटिशियन की जॉब है अच्छी, मैं बाहर भेजाता हूँ, सैलरी अच्छी है, बल्कि बोले वहाँ जाके यहाँ से भेज दिए, बोल के अच्छे है वो ये, बल्कि भेजे वहाँ गए बाद घर का काम कराया, अल्लाह 1000 सैलरी देते, बोले घर का काम कराए। बहुत जुल्म था मेरे को वहाँ पर, खाना टाइम पे नहीं देते थे मेरे को, लोग फोन पे बात सही नहीं कराते थे, एक महीने में आधा घंटा सिर्फ बात करते थे, मेरे को सही नहीं देखते थे, इतनी परेशानी थी। दो तीन घरों में मेरे को काम लेते थे उन लोग, इतना 24 घंटे मैं काम करती थी। मैं काम करने के बाद भी मेरे को ना बोलते थे कि मैं काम नहीं करती। मैं बोली मैं दो तीन महीने यहाँ से गई बाद मैं बोली मैं नहीं कर सकती काम, मैं इंडिया जाना चाह रही हूँ, बोल के बोले तो लोग बोले कि नहीं कैसा जाते, हम इतना पैसा लगा के बुलाए, 2 लाख रुपए देना, 2 लाख रुपए दिए, देने के बाद जब तुम्हारे को भी जाते या नहीं तो करना पड़ता दो तीन घरों में काम, बोल के बोले। मेरे को 24 घंटे काम लेते थे, मेरी हालत बहुत खराब हो गई, मेरी तबीयत इतनी खराब होती थी कि लोग मैं बोल के रोती थी उन लोगों को, जब उल्टियाँ करती थी मेरे कलेजे में दर्द हो गया, जब खून निकलता था मैं इतना रो के बोलती थी उन लोगों को कि मेरे को दवाखाने को लेके चलो, बोल तो मेरे को बोलते थे ना कि नहीं सर्दी से हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बोल सर्दी से है तो माँ को कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे बोल बोल के मेरे को दवाखाने को नहीं लेके जाते थे ना। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी वहां जाने के बाद, मेरे को 24 घंटे बहुत काम लेते थे, इतना खाने की बहुत परेशानी थी, दो तीन दिन तक खाना नहीं मिलता था मेरे को वहां पर। वहाँ के हालत इतने खराब है कि यहाँ से एक बोल के भिजाते, वहाँ गए बाद बहुत हालत मजबूर कर देते इंसान को इतना कि कितना भी अपन रो के बोलो अपनी कोई नहीं सुनता वहाँ पर। लोग ऐसे है कि उन लोगों को काम से मतलब बोलते हैं, लोग ना खाने को देते ना सही अपनी देखभाल होती है वहाँ पर, पैसे तनख्वाह पूछे तो बोलते कि नहीं हम जाने के जब देते तुम्हारा को तनख्वाह आप नहीं देते, महीने में पूछते कि दियो तनख्वाह, बोल के वो तो नहीं देते, काम करो देते, बोल के ऐसा बोलते, हर बात ऐसे बोलते थे लेकिन कुछ बात नहीं होती थी वहाँ पर। मैं यहाँ से जो गई, मेरा एजेंट है हाजी, उन्हें मेरे को भिजाया था यहाँ से। मैं वहाँ पर बहुत परेशान थी, मेरे माँ बाप आए यहाँ पर, अमजदुल्ला खान साहब कने आके यहाँ गुजारिश करे मेरे लिए कि कुछ सुषमा मैडम शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं आपके जरिए हर माँ बहनों की मदद कर रहे हैं आप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश है कि पुलिस वालों को, मेरी गुजारिश है कि हर माँ बहनों तक सुष्मिता मैडम मदद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हर मेरी गुजारिश है कि पुलिस वालों के ऊपर पुलिस वाले एजेंटों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 18 महीने थी मेरे को, पहले 6 महीने की तनख्वाह लगा दिए, 1 साल की तनख्वाह नहीं दिए मेरे को लगा, मैं वहां से वैसे ही आ गई।